देवास से जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है, सहायता राशि स्वीकृत कर ली है, 1 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है देवास जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए। प्रशासन ने ये राशि की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहायता राशि को स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति अपनी प्रदान कर दी है। 1 करोड़ की सहायता राशि अभी फिलहाल बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का, बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त वो पहुंचे देवास और वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के 1 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। ज्यादा जानकारी की बात करके अपने संवाददाता अमिताभ शुक्ला से। अमिताभ, कब पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्या घोषणा की होना था? राशि जो है स्वीकृत कर दी है और जो देवास के जो है जिला प्रशासन को आज मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसके बाद ये राशि बांटने का काम जो बाढ़ पीड़ितों को, जिन लोगों की मौत हुई है, 2 लोगों की मौत भी हुई है जिले में, और इनको जो है राशि देने का काम जिला प्रशासन आज से करना शुरू कर देगा जमशेद जी। और जो है 1 करोड़ रुपए की राशि की जो मांग की गई है वो भी स्वीकृत कर ली गई है और ये राज्य शासन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ही राशि स्वीकृत की गई। यानी अमिताभ, यानी 1 करोड़ की राशि जो जिला प्रशासन ने मांगी थी वो पूरी तरीके से स्वीकृत कर ली गई है और अभी जो है वो 20 लाख रुपए की त्वरित जो है वो रकम बांट दी जाएगी। 2 लोगों की मौत हुई थी और कितना नुकसान का आकलन किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा? लगातार बारिश देवास जिले में, अगर बात करें कन्नौज, खातेगांव, नेहावर, बागली और देवास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बारिश हुई और कल एक काफी विहंगम नजारा भी पैदा हुआ, जहाँ पर देवास के करीब ही जो है मस्ती के आगे गांव में 2 बसें फंस गई थी, जिन्हें रेस्क्यू करके 3 जिलों की टीमों ने 126 यात्रियों को बचाया था। तो बाढ़ के हालात में निश्चित तौर पर देवास के पूरे जिले में बने थे और बाढ़ से कई लोग प्रभावित भी हुए, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों के घर डूब में है, तो ऐसे कई लोगों को जो है राहत पहुंचाने के लिए अब जो है सहायता पहुंचाने का काम जो है शुरू कर दिया गया है, रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। और देवास जिला कलेक्टर से अभी हमारी बात हुई, जिन्होंने कहा कि अब ये जो है राशि है इसको वितरण करने का काम किया जाएगा, जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो भी गांव के लोग जो पीड़ित हुए हैं उनको ये राशि जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ। इस जानकारी थी आपसे साथ अपडेट लेते रहेंगे। अमिताभ शुक्ला हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख रुपए तत्काल देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 1 करोड़ की राशि जो कि जिला प्रशासन ने मांग की थी बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए, मुआवजा देने के लिए, वो भी स्वीकृत कर ली गई है और त्वरित जो सहायता है वो 20 लाख रुपए सेंक्शन कर दिए गए हैं। अब जल्द से जल्द, जैसा कि कलेक्टर का कहना है कि जल्द से जल्द इस राशि को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। सहारनपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से काली सिंध